अजमेर की आरपीएफ थाना पुलिस ने माउंट आबू में 7 नाबालिगों से कैटरिंग का काम करवाकर पोरबंदर ट्रेन से अजमेर पहुंचे ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सभी बच्चों को मुक्त करवाया गया है। आरपीएफ ने मामले में जीआरपी को शिकायत देकर आरोपी को सुपुर्द किया है। वहीं बच्चों को बाल कल्याण समिति में भिजवाया गया है। जीआरपी थाना पुलिस आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मामले की जांच में जुटी है। आरपीएफ थाना प्रभारी लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि आरपीएफ आईजी और अन्य अधिकारियों के निर्देश पर बाल श्रम के प्रति चलाए गए अभियान को देखते हुए शुक्रवार को अजमेर पहुंची पोरबंदर ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाया गया। टीम को ट्रेन के विकलांग कोच में कुछ बच्चे मिले, जिनसे पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। बाद में सभी बच्चों को ट्रेन से उतरवाया गया। थाना प्रभारी गौड़ ने बताया कि बच्चों के साथ एक व्यक्ति भी था, जिससे पूछताछ की गई तो मामला बाल श्रम से जुड़ा पाया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए जिला भीलवाड़ा हाल में अजमेर वैशाली नगर निवासी मोहम्मद हफीज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी द्वारा सभी 7 बच्चों को कैटरिंग का काम करवाने के लिए माउंट आबू ले जाया गया था। करीब 4 से 5 दिन का काम करवाने के बाद वापस आज अजमेर लौटे थे। मामले में आरोपी को जीआरपी थाना पुलिस के सुपुर्द कर शिकायत दी गई है। वहीं बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया है। मामले में अब जीआरपी थाना पुलिस जाँच में जुटी है। देखिए, हमारे रेलवे सुरक्षा बल के डीजी महोदय श्री संजय चंद्र जी ने एक एमओयू साइन किया है कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ, जिसमें हम बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पूरी आरपीएफ ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया में अभियान है। उन्हीं के आदेश पर हमारी आईजी मैडम सुश्री आरोमा सिंह ठाकुर जो जयपुर में बैठती हैं और मंडल सुरक्षा आयुक्त अमिताभ जो यहाँ अजमेर में बैठते हैं, उनके निर्देशन में हम लोग अभियान चला रहे हैं और ट्रेनों को लगातार रूप से चेक कर रहे हैं। आज हमने पोरबंदर एक्सप्रेस 19269 को यहाँ अजमेर स्टेशन पर चेक किया तो विकलांग कोच में कुछ बच्चे हमें हमारे स्टाफ को दिखाई दिए। बच्चों को उतरवाया तो कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं और उन्होंने ये बताया कि हम आबू रोड में कैटरिंग का काम करके आए हैं। और कौन काम करा के लाया वो भी एक साथ में एक दूसरा बंदा बैठा था, सब नाबालिग थे। मामला बाल श्रम का होने पर हमने उनको रोका, काउंसलिंग की बच्चों की, काउंसलिंग में चाइल्ड लाइन को बुलाया, एसटीयू टीम को बुलाया। बच्चों ने काउंसलिंग में जो कहा उसके अनुसार मामला बाल श्रम का था तो हमने तहरीर के साथ जीआरपी को एक्यूज़ को सुपुर्द किया है और बच्चों को बाल गृह में भिजवाया। सर, कौन कहाँ ले जा रहा था, कौन व्यक्ति है, कहाँ का लेने वाला है? ये व्यक्ति मोहम्मद हाफिज़ है जो भीलवाड़ा के पास का रहने वाला है और वर्तमान में अजमेर में ही रह रहा है वैशाली नगर के पास जी। और इसका काम यही है, कैटरिंग का ठेकेदार के रूप में काम करता है। इसके साथ बहुत सारे एडल्ट्स और भी काम कर रहे हैं, उनके साथ इन्होंने बच्चों को भी शामिल कर लिया। 550 रुपये बोल रहा है कि हर एक बच्चे को देते हैं, अभी तक पेमेंट भी नहीं की है बच्चों की और बच्चों को 4-5 दिन काम करा के लाया है। माउंट आबू में किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? ठीक है, 374 और 79 जे एक्ट में ये मामला बनता है और उसी में जीआरपी कार्रवाई कर रही है। तो लगभग कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। ठीक सर।